कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। दोस्तों ग्रेट मॉर्निंग, भूपेश आनंद एक बार फिर आपके सामने। तो आज हम लेक्चर नंबर 10, बेटे मैं लेक्चर नंबर 10 की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मैंने अभी तक जनरल एंट्रेंस में 9 लेक्चर्स आपको बता दिए और मैंने आपको 3 तरह के रूल्स बताए ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन यू नो पास जनरल एंट्रेंस। पहला रूल तो मैंने लेन देन का बताया, दूसरा रूल मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन का बताया और लेक्चर नंबर 9 में मैंने आपको ट्रेडिशनल रूल भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि दैट दिस इज द ट्रेडिशनल रूल। एज पर दिस रूल, as per European method, we generally have 3 types of accounts. One is the real account, second is the nominal account, and the third is the personal account. So these 3 types of accounts which we have to, you know, follow as per European method. And in this today's lecture number 10, I will be focusing totally on the traditional rule. Main is lecture mein ट्रेडिशनल रूल के ऊपर ही जनरल एंट्रीज पास करने वाला हूं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ट्रेडिशनल रूल के बारे में बता दिया है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर टू आपके नोट्स का, जिसको हमने 2-3 अलग अलग मेथड से पहले ही कर चुके हैं, इसको मैंने लेन देन वाले मेथड से कराया हुआ है आपको। जब अकाउंटिंग इक्वेशन कराया था तो अकाउंटिंग इक्वेशन मेथड से कराया। आज ट्रेडिशनल रूल, क्योंकि हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं, तो मैं आज आपको इसी क्वेश्चन को ट्रेडिशनल रूल के बेसिस में नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट के बेसिस में कराने जा रहा हूं। तो आइए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार हम देख लें कि क्वेश्चन नंबर 2 है क्या। आप प्लीज आप अपनी बुक्स ओपन कर लें। मैंने बेटे आपके सामने वो क्वेश्चन ओपन कर दिया, बुक ओपन कर दी है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है शो जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपको कुछ ट्रांजेक्शंस दी हुई है, आपको उनकी जनरल एंट्रीज पास करनी है। बेटे ट्रांजेक्शंस आपको मई 1 से लेके मई 30 तक दिए हैं और मैंने इस क्वेश्चन का नाम डाला है नरेंद्र मोदी टाइप ऑफ क्वेश्चन। बेटे इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने तीनों तरह से करा, मोदी है तो मुमकिन है ऐसा बोलते हैं सब। तो बेटे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लेन देन मेथड से किया, मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन से किया और आज मैं इसी क्वेश्चन को किससे करूंगा, ट्रेडिशनल से करूंगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर से आपको 11th लेक्चर से बताऊंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कौन सा मेथड करना है, क्योंकि आज तीनों रूल्स आपके सामने हो आ चुके हैं। तो फिर हम प्राइमरीली क्या करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर की बात है। पहले आप आराम से मेरे बेटे आप आराम से पहले ये क्वेश्चन निकाल लें, रजिस्टर ओपन कर लें। प्लीज सभी बच्चे रजिस्टर ओपन कर लें, टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, बिल्कुल झुक के नहीं बैठना। क्वेश्चन नंबर 2, सलमान खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹45,000। सलमान खान ने अपना बिजनेस शुरू किया, बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी होती है, बिजनेस एक एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट हमें मालूम है, विद 45,000 उसने अपनी जेब से ₹45,000 दिए, ये बात हम सबको मालूम है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने नो डाउट जब ट्रेडिशनल रूल में एंट्रीज लास्ट लेक्चर में समझ ली थी, मैंने एक बार रिवीजन तौर पे दोबारा से इनकी स्लाइड्स बनवाई और फिर आपके सामने आ रहा हूँ। आप प्लीज एक बार सभी बच्चे इस स्लाइड्स को लिख ले और यहाँ लिखे एज पर ट्रेडिशनल रूल बेटे आज हम कर रहे हैं ट्रेडिशनल रूल के बेसिस पे, हम ट्रेडिशनल बेसिस पे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं बेटे, लेक्चर नंबर 10 है। आइए जी, एज पर ट्रेडिशनल मेथड वी विल फॉलो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेथड एंड वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स। एज पर यूरोपियन मेथड और ट्रेडिशनल मेथड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, वन इज रियल अकाउंट, सेकंड इज नॉमिनल अकाउंट एंड थर्ड इज पर्सनल अकाउंट। वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर व्हाट आई मीन बाय रियल, ऑल दोस थिंग्स, ऑल वस्तुस, all that will come in real, and the rule of real is debit what comes in, debit the thing which is coming in the business,
क्रेडिट द थिंग विच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस, ये बात हमने की थी, तो एक बार आप लिख लें, प्लीज लिखें। As for European matters, there are three types of accounts: real, nominal, personal. Real account का rule मैंने आपको बताया था, आपको मालूम है, फिर भी आप लिख लें। कहते लिखते लिखते ही बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो debit what comes in the business, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं debit the thing, debit the thing, credit the thing, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे thing are covered in real account. Debit the thing which comes in the business, credit the thing which goes out of the business. Then we have discussed nominal account. But in nominal account में हम सारी services लेते हैं, ये बात मैंने आपको बताई थी। Services का मतलब होता है सेवाएं, सेवाएं लेते हैं या देते हैं, दोनों में से या तो लेते हैं और या देते हैं। तो सेवाएं हमने नॉर्मल अकाउंट में लेनी है, आप वो लिखें डेबिट ऑल सर्विसेज या डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। आपको पता है सेवाएं जो हम लेते हैं उससे कोई एसेट तो क्रिएट होता नहीं है, जब एसेट ही क्रिएट नहीं होता तो हम उसको कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, कैपिटल से लेस होता है, तो मैंने वहां से रूल बनाया डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। अगर हमने किसी को सेवाएं दी है तो हम क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या करेंगे जब हम सेवाएं लेंगे, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स। पर्सनल अकाउंट, बेटे मैंने एक बात बताई थी कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, कोई प्याज का बिजनेस कर रहा है, कोई फ्रूट का बिजनेस कर रहा है, कोई ड्राई फ्रूट का बिजनेस कर रहा है, कोई मोबाइल का बिजनेस कर रहा है। बेटे बैंक पैसे का बिजनेस कर रहा है, पैसे आ रहे पैसे जा रहे, पैसा पैसा पैसा, तो बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट बिकॉज बैंक इज डूइंग अ बिजनेस। इस बात को समझना, बैंक इज डूइंग अ बिजनेस एंड बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। सो पर्सनल अकाउंट रूल, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। इसका मतलब बिजनेस से किसी ने कुछ लिया तो डेबिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का मतलब है नेचुरल पर्संस एंड आर्टिफिशियल पर्संस, ये बात मैंने डिस्कस की थी, ठीक है जी। तो आगे चलूं क्या मैं, आ गया जी क्वेश्चन नंबर टू। एज पर ट्रेडिशनल रूल मैं करने वाला हूं मई वन के ट्रांजेक्शन। देखिए मैंने कितने इंपॉर्टेंटली पहले से स्लाइड्स आपकी बढ़िया तरह से बनवाई हुई है, जिससे कि आप इसको ध्यान से अटेंड करें। बेटे बड़ी मेहनत की है आपको समझाने के लिए, मैं क्या बताऊं अब आपको, बेटे बहुत ही मेहनत हुई है। अब आप शायद पता नहीं बात समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, लेकिन मैंने मेहनत बड़ी की है इन चीज़ों को आपको बताने के लिए, मैंने मेहनत की है और मैं चाहता हूँ कि आप इनको लिखें। क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं बेटे, हम क्वेश्चन नंबर टू कर रहे हैं एज पर ट्रेडिशनल रूल कर रहे हैं, मई वन की ट्रांजेक्शन देख रहे हैं। आप देखिए मई वन की ट्रांजेक्शन क्या है, सलमान खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आपको जब भी ट्रांजेक्शन पढ़नी है उस ट्रांजेक्शन के आपको दो कीवर्ड्स पहले तो ढूंढ रहे हैं, वो दो कीवर्ड्स कौन से हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मुझे ये लगता है कि जब मैं पढ़ता हूँ सलमान खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 45,000, तो मुझे दो कीवर्ड्स पढ़ते पढ़ते ही मेरे माइंड में क्लिक करने शुरू हो गए। क्या आपके माइंड में भी क्लिक हुए बेटे? एक तो सलमान खान मुझे क्लिक हुआ और एक कैश क्लिक हुआ, ये दो कीवर्ड्स मेरे को क्लिक हुए। जब हम ये दो कीवर्ड्स ढूंढ लेंगे फिर हम इनका नेचर देखेंगे कि इनका नेचर क्या है। सलमान खान एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन है। सलमान खान पर्सनल अकाउंट में आएगा अगर मैं रियल अकाउंट की बात करूं, क्योंकि मैं क्वेश्चन तो रियल अकाउंट के बेसिस में कर रहा हूं। कैश एक थिंग है, कैश एक थिंग है, थिंग रियल अकाउंट में आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस, डेबिट द थिंग्स व्हिच आर कमिंग इन द बिजनेस। तो मैं कैश को रियल अकाउंट में लूंगा और सलमान खान को पर्सनल अकाउंट में लूंगा, और दो रूल्स के कॉम्बिनेशन से, दो रूल्स के कॉम्बिनेशन से इस जर्नल एंट्री को बनाऊंगा। तो मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन नंबर टू अगेन। बेटे मई वन सलमान खान स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। सलमान खान ने अपना बिजनेस शुरू किया 45,000 में। देखिए मैंने क्या एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी एक पहले फॉर्मेट बनाए जर्नल एंट्रीज का, कि भाई हम जर्नल एंट्रीज को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। आपको मालूम है, आपको पता है या नहीं हम जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट कैसे बनाते हैं? प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है,
कि पहले तो जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाए, मैंने पहला जो कॉलम होता है हम वो डेट का लिखते हैं, पहला कॉलम, पहला फर्स्ट, मैंने फर्स्ट कॉलम इज डेट, सभी बच्चे मेरे साथ साथ प्रिपेयर करेंगे, फर्स्ट कॉलम डेट का है, दूसरा कॉलम हम सबको पता है पर्टिकुलर्स का होता है, पर्टिकुलर्स, सेकंड कॉलम इज ऑफ पर्टिकुलर्स, ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा था आप तो फटाफट सीधी सीधी लाइनें खींच लेते, बेटे आप रूलर से खींचो, बेटे जो तीसरा कॉलम होता है ये किसी काम का नहीं होता लेकिन फिर भी हमें बनाना होता है, बेटे हमें बनाना होता है, तो हमने थर्ड कॉलम भी प्रिपेयर कर दिया। फोर्थ और फिफ्थ कॉलम बेटे एक डेबिट का होता है और एक क्रेडिट का होता है, आपको पता है एक डेबिट का एक क्रेडिट का, ये बेटे मैंने डेबिट और क्रेडिट भी बना दिया, ये देखिए, और मैंने इसकी हेडिंग लिखनी है इसलिए मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे ड्रॉ कर दी, आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, मैं यहां लिख रहा हूं डेट या ट्रांजेक्शन जो भी है, यहां पर हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे, सभी स्टूडेंट्स मेरे साथ साथ लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, रूलर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, लेजर फोलियो इसको बोल रहे हैं डेबिट, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, बेटे हमारी ट्रांजेक्शन 10-12 है तो सारी करनी है तो जल्दी से, मैं तो इसको कंट्रोल सी करके सीधा ही लेके जा रहा हूँ, आपको दोबारा से बनानी पड़ेंगी और मैं चाहता हूँ कि आप प्रिपेयर करें तभी ज़्यादा फायदा होने वाला है, भरने के बाद ही स्वर्ग मिलता है, उससे पहले कभी किसी को नहीं मिला, मेहनत करेंगे तो फायदे में रहेंगे। मैंने मैंने आपके सामने स्लाइड्स प्रिपेयर कर दी है, जनरल एंट्रीज की लाइन्स ड्रॉ कीजिए, जनरल एंट्रीज की लाइन्स ड्रॉ कीजिए, पहला कॉलम डेट, दूसरा कॉलम पर्टिकुलर्स, तीसरा कॉलम लेजर फोलियो, फोर्थ कॉलम डेबिट रुपीस, फिफ्थ कॉलम क्रेडिट रुपीस, तो मैंने 5 कॉलम्स प्रिपेयर कर दिए। आइए मैं दोबारा से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलूं, और मैंने आपको बताया कि पहली ट्रांजैक्शन में सलमान खान हैज इंट्रोड्यूस्ड कैश रुपीज 45,000, तो एक तो कैश और एक सलमान खान दो कीवर्ड्स हैं जिन पे इंपैक्ट आना है, पहले तो आप जब ट्रांजैक्शन पढ़े तो इन दो कीवर्ड्स को ढूंढना है, फिर हम देखेंगे हम कौन सा रूल लगा रहे हैं। मैं इस समय इस क्वेश्चन को अपनी होश में ट्रेडिशनल रूल लगा रहा हूँ, सलमान खान इज अ पर्सन, इज अ नेचुरल पर्सन, सो एज पर ट्रेडिशनल रूल सलमान खान विल फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट। अब बताइए सलमान खान कुछ बिजनेस को दे रहा है या बिजनेस से कुछ ले रहा है, सलमान खान बिजनेस को दे रहा है, बेटा सलमान खान 45,000 रुपए दे रहा है, एंड एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट पर्सन्स, इट मीन सलमान खान इज गिविंग समथिंग और एज पर पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस, बट सलमान खान ओनर है तो हम उसका नाम यूज नहीं करेंगे, हम उसकी जगह कैपिटल या ड्रॉइंग का वर्ड यूज करेंगे, तो मैं अभी आपको इस बारे में बताऊंगा, कैश इज अ थिंग हम उसको टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो कैश रियल अकाउंट की आइटम है, इसका मतलब मैं दो रूल्स के कॉम्बिनेशन से एक एंट्री बनाने वाला हूं, रियल अकाउंट, तो कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट द थिंग विच इज कमिंग इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द थिंग व्हाट कम्स इन, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, कैश को डेबिट करेंगे, यही बातें मैंने लिखी है, आप प्लीज देख ले, मैंने बड़ी मेहनत से बनाया है, आप इन एक्सप्लेनेशन को लिखे, इस बार मैंने हैंड रिटन नहीं दिया, ऑलरेडी स्लाइड्स प्रिपेयर की और आपको दी, मुझे लगता है शायद ये ज्यादा बेटर है, आप अपने कमेंट्स दें। फर्स्टली वी हैव टू आइडेंटिफाई टू नेम्स, हमें सबसे पहले दो नाम, दो एलिमेंट, दो कीवर्ड, चाचा चौधरी और फैंटम ढूंढने पड़ेंगे उस ट्रांजेक्शन में, आप कोई भी मेथड करें, लेन देन का करें, अकाउंटिंग इक्वेशन करें, ट्रेडिशनल रूल करें। दूसरी बात, जब आप ट्रेडिशनल कर रहे हैं और वो दो अक्षर दो वर्ड्स आपने ढूंढ लिए तो आपको अब चेक करना पड़ेगा कि नेचर क्या होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ अकाउंट, वेदर दे फॉल इन रियल, वेदर दे फॉल इन नॉमिनल और वेदर दे फॉल इन पर्सनल, तो नेचर को ढूंढेंगे, ईदर थिंग्स एज पर रियल अकाउंट, ईदर क्या वो थिंग है एज पर रियल अकाउंट, क्या वो लॉसेस गेन्स इनकम है एज पर पर्सनल अकाउंट, और नेम ऑफ पर्सन, बट यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, एज पर नॉमिनल अकाउंट आना चाहिए, यहाँ पर मैं थोड़ा सा
यहाँ पर मतलब परम चलिए आप ठीक कर लीजिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं इसको काट नहीं देता हूँ, एज पर पर्सनल नहीं है, यहाँ पर नॉमिनल है, नॉमिनल है तो ठीक ठीक लिखे। इधर की जगह मैं कहता हूँ ये लिखे वेदर, वेदर वेदर इट इज थिंग, वेदर इट इज एक्सपेंस, कोई बात नहीं बेटा, जिसने स्लाइड बनाई थोड़ा सा उसको गलती हो गई, कोई बात नहीं। वेदर इट इज इन It is expense, losses, gains and income, or name of person. बेटे person दो हो सकते हैं, natural भी, artificial भी। अगर name of person है तो personal account में आएगा। ठीक है, आपको समझ आ गया, मुझे दिख रहा है। सलमान खान is a person। आप सबको मालूम है सलमान खान साहब एक person है। तो सलमान खान साहब जब person है तो हम personal account का rule लगाएंगे। Cash is a thing, तो we will use real account rule फॉर पासिंग एंट्रीज। तो देखिए जी, मैंने बड़ी मेहनत से लिखा है, इग्नोर ग्रामर एंड अदर वर्ड्स। आपको ग्रामर और बाकी कोई वर्ड्स इग्नोर कर देने चाहिए। सलमान खान विल कम पर्सनल अकाउंट कैटेगरी, कितनी मेहनत से देखिए, मैंने बता भी दिया, समझा भी दिया, फिर आपके सामने स्लाइड बना रहा हूँ। सलमान खान विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट कैटेगरी एंड ही इज गिविंग समथिंग और ही इज रिसीविंग समथिंग फ्रॉम द बिजनेस। आप बताइए, सलमान खान बिजनेस को कुछ दे रहा है, ये बिजनेस से कुछ ले रहा है? बेटे सलमान खान 45,000 रुपए दे रहा है, क्रेडिट कर गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर टू द बिजनेस। कैश, कैश आ रहा है, कैश इज अ थिंग, थिंग विल कम इन रियल अकाउंट एंड एंड व्हेन समथिंग इज कमिंग इन द बिजनेस, डेबिट व्हाट कम्स इन द बिजनेस। कसम होगी, अगर आपने कमर सीधी करके ना बैठे और आपने ये पूरा नोट ना किया, भले आपको आता है, मुझे पता है आपको आता है, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन भी किया, लेकिन मेरा मन रखने के लिए आप लिखें, आप लिखें। देखिए जी, मेरा मन कभी होगा आप जब लिखेंगे इसको, बस आपसे रिक्वेस्ट है, और क्या कर सकता हूँ। एज सलमान खान इज ओनर सो वी हैव टू डू सम चेंजेस, हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, सम ठीक कर ले, सम चेंजेस। बेटे हम कभी भी ओनर का नाम यूज नहीं करते, उसकी जगह कैपिटल का वर्ड यूज करेंगे, तो हमें कैपिटल वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो हम इस ट्रांजेक्शन को क्या करें, क्या लिखें, आइए इसकी जनरल एंट्री पास कर दे। आइए बेटे, मई वन डेट में लिख दिया, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू हटके सलमान खान नहीं लिखेंगे, वो पर्सनल है, उसकी जगह कैपिटल वर्ड यूज करेंगे। टू कैपिटल 45,000 डेबिट और 45,000 क्रेडिट। आप इसकी नरेशन लिख दें, वैसे नरेशन में अब ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा, आपको बातें समझ आई गई हैं, तो आप बस एंट्री में ज्यादा ध्यान दें कि एंट्री एज पर ट्रेडिशनल अकाउंट कैसे बन रही है। ठीक है जी, हम आ गए दूसरी ट्रांजेक्शन में, कैश में एक में दूसरी ट्रांजेक्शन हुई है। बेटे जनरल इज अ क्रोनोलॉजिकल बुक, जो पहले होगा पहले लिखेंगे, जो बाद में हादसा होगा बाद में लिखेंगे। मान लेते हैं मई एक में सलमान खान ने 10 बजे पैसे डाले और 10:01 पे बैंक अकाउंट में जमा कराए, तो पहले हम 10 बजे वाली एंट्री पास करेंगे, फिर 10:01 वाली करेंगे, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बेटे सेकंड, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000, सेकंड ट्रांजेक्शन। बेटे ट्रांजेक्शन पढ़ते पढ़ते ही आपको उसके कीवर्ड्स दिमाग में चलने चाहिए, फ्लिप ऑन होने चाहिए, मेरे तो हो भी गए, आपके भी हो रहे होंगे। एक कीवर्ड है कैश और एक कीवर्ड है बैंक, मुझे तो दो कीवर्ड्स दिख रहे हैं जहां पर इंपैक्ट आने वाला है। एक बार आपने कीवर्ड्स ढूंढ लिए तो आपको फिर उसके नेचर को ढूंढना है कि वो जो कैश है उसका नेचर क्या है और बैंक है उसका नेचर क्या है। कैश एक थिंग है, एक वस्तु है, कैश विल फॉल अंडर रियल अकाउंट। बैंक मैं कई बार बता चुका हूं आपको, बैंक इज नॉट अ रियल अकाउंट, बैंक इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, HDFC, यस बैंक, ये सभी के सभी बैंक्स धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस किस चीज का कर रहे हैं, पैसे का। पैसे लेते हैं डिपॉजिटर से
और जिनको पैसे चाहिए होते हैं उनको ब्याज में दे देते हैं, ब्याज देते हैं, ब्याज लेते हैं, लोन देते हैं, डिपॉजिट लेते हैं, दे आर डूइंग बिजनेस. सो बैंक विल फॉल अंडर पर्सनल अकाउंट एज पर ट्रेडिशनल रूल. बिकॉज आई एम डूइंग दिस क्वेश्चन एज पर ट्रेडिशनल रूल, सो I will see that cash is a real account item and bank will fall in personal account. So I will follow those rules. ठीक है, अभी देख लेते हैं, सबने समझ लिया जी. आइए पहले इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख दे, पहले एक्सप्लेनेशन लिख दे तभी तो आपको ज्यादा समझ आएगा बेटे, इतनी मेहनत जो हुई है तभी तो आपको ज्यादा समझ आएगा. कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 15,000 Please see the two keywords accounts which will have the impact. आप सभी ये बातें भी लिख लें. मैं कहता हूँ जो जो मैंने लिखा ना सब लिखें, तभी आपके माइंड में वो सोच डेवलप होगी कि आपको उसके बाद क्या करना है, फिर क्या सोचना है, क्योंकि हम लॉजिकली कर रहे हैं, कुछ भी रेटिफिकेशन नहीं करेंगे. तो प्लीज सी द टू कीवर्ड्स अकाउंट्स व्हिच विल हैव द इंपैक्ट, वन इज कैश एंड सेकंड इज बैंक. आपने ठीक पहचाना, एक कैश में और एक बैंक में इफेक्ट आएगा. कैश इज थिंग, सो रियल अकाउंट नेचर ये हमें पता ही है. कैश एक वस्तु है भी, कि हमने सलमान खान ने इंट्रोड्यूस किया मई बन की ट्रांजेक्शन. सो कैश विल कम अंडर रियल अकाउंट, कैश विल कम अंडर रियल अकाउंट. अब कैश बिजनेस से जा रहा है या कैश बिजनेस में आ रहा है, आप ये बताए. कैश बिजनेस से जा रहा है बेटे, बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश निकाला, बिजनेस से कैश जा रहा है, बैंक में डिपॉजिट हो रहा है, कैश बिजनेस से जा रहा है बेटे. क्रेडिट व्हाट द थिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. तो देखिए मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस. तो पहले हमने कीवर्ड को ढूंढा, उसके बाद हमने उसके नेचर ऑफ अकाउंट को ढूंढा, उसके बाद हमने उसका रूल देखा और हमने उस रूल के तहत उसको डेबिट करना या क्रेडिट करना सीखा. ठीक है जी, सी पॉइंट, ई पॉइंट. बैंक इज नॉट कवर्ड अंडर द कैटेगरी of thing, so real account rule will not be applicable. क्या बढ़िया बात लिख गया, bank thing नहीं, bank is not a thing, so bank will not fall under the category of real account. Bank is also not a service, but a bank एक service भी नहीं. Bank is also not a service, so nominal account rule will not be applicable. बैंक एक सर्विस भी नहीं है, इसलिए रियल अकाउंट का रूल भी नहीं लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का भी नहीं लगेगा. और मैं बता भी चुका हूं आपको कि बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट, बैंक एक धंधा कर रहा है, बैंक एक बिजनेस कर रहा है, हेंस इट इज अ पर्सनल अकाउंट. देखिए बैंक इज बिजनेस एंड बिजनेस इज पर्सन एज पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. बेटे बैंक एक पर्सन है, क्योंकि वो बिजनेस कैश का कर रहा है, वो कैश का धंधा कर रहा है, रोकड़ा आ रहा है, रोकड़ा जा रहा है. Hence, bank is a personal account. So, we will apply the personal account rule. अब बताओ, bank में पैसे आ रहे हैं या bank हमारे से पैसे ले रहा है? बेटे, 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 bank हमारे से पैसे ले रहा है. आप बताइए. Bank एक person है. Bank हमारे से पैसे ले रहा है. हमने bank को पैसे दे दिए. आप बताएं. Credit the, जब हमने rules सीखे थे, debit the receiver from the business. Credit the giver to the business. बेटे बैंक रिसीव कर रहा है या बैंक गिव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है. बैंक इज द रिसीवर ऑफ कैश, सो बैंक विल बी डेबिटेड. कोई बात लिखिए, रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस, डेबिट द रिसीवर फ्रॉम बिजनेस. बस मेहनत करके स्लाइड्स बनाइए कि आपको समझ आए. डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस. आइए जी इसकी एंट्री एक बार हम कर डालें, इसकी एंट्री एक बार हम कर डालें, जल्दी से आ जाए बेटे. मैं एक दोबारा से मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन अभी दिखाऊंगा. क्या ट्रांजैक्शन है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000. तो बैंक का नाम हम डेबिट करेंगे, बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक हमारे से रिसीव कर रहा है. डेबिट द रिसीवर फ्रॉम द बिजनेस. थिंग कैश रियल है, थिंग है, जारी है. इसका मतलब मैं इस एंट्री में पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के रूल्स के कम्बिनेशन से जनरल एंट्री बना रहा हूं. कैश जा रहा है, कैश थिंग है, रियल अकाउंट है. क्रेडिट व्हाट गोज दैट थिंग व्हिच इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस. आइए जी 15,000 रुपये से डेबिट
और 15,000 रुपए से क्रेडिट। मैंने मैं एक की दो ट्रांजेक्शन कर दी और नरेशन मैं नहीं लिख रहा, आपको मालूम है क्यों नहीं लिख रहा, आप बस बाकी चीजों पे ज्यादा ध्यान दें जो मैं सुनाता जा रहा हूँ बताता जा रहा हूँ, ग्रामर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, वो हम लिख सकते हैं नरेशन। आइए मैं ट्रांजेक्शन 3 की तरफ आ गया, मैं 4 बेटे, मई 4 में फिर ट्रांजेक्शन हुई, मतलब मई 2 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, मई 3 में नहीं हुई, कोई बात नहीं, हम तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्राइमरी बुक में एंट्री करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक। बिजनेस ने गुड्स 4,000 रुपए में खरीदी और चेक से पेमेंट करी, उधार में नहीं खरीदी, क्रेडिट में नहीं खरीदी, क्योंकि किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ, और वो कह रहे हैं कि चेक से ली, इसका मतलब हमने चेक बुक ली, चेक काटा, चेक इशू किया और उसके हाथ में थमाया और गुड्स ले ली। तो दो कीवर्ड्स ढूंढने हैं, दोबारा पढ़ लीजिए, परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक। मैं फिर रिपीट करता हूं, हम ये क्वेश्चन नंबर 2 तीसरी बार कर रहे हैं, एक बार किया था लेन देन से, एक बार किया था अकाउंटिंग इक्वेशन से, आज कर रहे हैं इसको किस मेथड से, बेटे बेटे ट्रेडिशनल रूल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स मेथड से। तो दो कीवर्ड्स पहले ढूंढिए, मुझे उम्मीद है कि दो कीवर्ड्स आप ढूंढ पाएंगे, एक गुड्स है क्योंकि गुड्स हम खरीद रहे हैं, गुड्स थिंग है, बिजनेस में आ रही है, गुड्स आ रही है, दूसरा हमने चेक दिया, बेटे चेक कोई फ्रेमर थोड़ी लगाएगा, मैंने जब चेक दिया तो वो अपने बैंक में जमा कराएगा और मेरा बैंक उसको पैसे दे देगा, उसको पैसे दे देगा, बैंक अभी अभी बताया पर्सनल अकाउंट है, गुड्स अभी अभी बताया थिंग है, रियल अकाउंट है, तो डिसाइड हो गया, डिसाइड हो गया। इस जर्नल एंट्री में भी दो अकाउंट्स के रूल्स के कॉम्बिनेशन से हम जर्नल एंट्री बनाने वाले हैं। तो बेटे थर्ड मई 4 परचेज गुड्स वर्थ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक, हमने गुड्स वर्थ ₹4,000 की खरीदी और चेक से पेमेंट कर दी आराम से, कोई जल्दी है ही नहीं, पहले चेक कर लेते हैं कि मैंने स्लाइड्स में क्या लिखा है सो दैट आपको समझ आ रहा है या नहीं। लो जी, टू अकाउंट्स विच विल हैव इंपैक्ट, आप सभी कमर सीधी करके बैठे हुए हैं, मैंने ऑलरेडी इस क्लास के लिए बड़ी मेहनत की है इसलिए मैं फिर भी खड़ा हूं, आप झुकिए मत और जल्दी से नोट कर लीजिए, कुछ भी मुंह जबानी नहीं करना, मैं फिर रिपीट करता हूं आपको, टू अकाउंट्स ऑन विच देयर विल बी इंपैक्ट, बेटा दो अकाउंट्स जहां पर इंपैक्ट होगा वो है गुड्स और बैंक, अभी सीखा हमने गुड, जब हमने देख लिया कि कौन से दो अकाउंट में इंपैक्ट होगा, अब उसका नेचर देखना है कि वो कौन से नेचर में आते, बेटे गुड्स किस कौन से नेचर में आता, गुड्स इज अ थिंग, गुड इज अ थिंग एंड गुड इज अ वस्तु एंड ऑल वस्तुज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है, वही लिखा है रियल अकाउंट में, उसका रूल लिख दिया डेबिट वर्ड कम्स इन द बिजनेस। अब बेटे आपको पता ही है कि हम गुड्स के नाम में गुड्स नहीं लिखते, हम उसके इवेंट का नाम लिखते हैं, ये तो हजारों बार बोला, अगर हमने गुड्स खरीदी है तो इवेंट क्या है, परचेजेस,